तो इलीगल कॉलोनी जो डेवलप हो रही थी उसके मकान गिराए दो। इन्वेस्टिगेशन है, जिस जो जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सोना सदर पुलिस थाने के गांव सिरमथला में अवैध रूप से कृषि योग्य जमीन में निर्माण कर बसाई जा रही कॉलोनी की सूचना पाकर कॉलोनी के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए पहुंची जिला योजनाकार विभाग की टीम पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर स्वनिर्माणकर्ताओं ने उस समय हमला बोल दिया जिस समय टीम के द्वारा अवैध रूप से बनाए जा रहे मकानों को तोड़ना शुरू किया। इतना ही नहीं, अवैध निर्माणकर्ताओं ने अपनी दबंगई दिखाते हुए सड़क पर जाम लगाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली वैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवा दिया। जो इलीगल कॉलोनी जो डेवलप हो रही थी उसके मकान गिराए दो, उस दौरान कुछ लोगों ने वहां पे एटी विभाग के अधिकारियों के साथ मैनहैंडलिंग का प्रयास किया व उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। इस संबंध में एटीबी साहब द्वारा हमें कंप्लेंट दी गई, जिसमें 7 लोग बाई नेम है और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोना विधानसभा के गांव सिरमथला की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अवैध रूप से बनाए गए मकानों को तोड़ने पर अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा जिला योजनाकार के तोड़फोड़ दस्ते का विरोध जताया जा रहा है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने मामले को शांत कराया और एटीपी की लिखित शिकायत पर 7 नामजद सहित दर्जन भर से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। हम इसमें धारा 186, 188, 353, 341, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एफआईआर लॉन्च करके उन पर प्रभाव से गिरफ्तारियां करेंगे। विरोध प्रकट किया था स्थानीय लोगों ने, जाम वगैरह कोई ऐसा नहीं लगा। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिस जो जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि सोना में इलाके में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिस गांव के अंदर अवैध रूप से कृषि योग्य जमीन में प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित न की जा रही हो, लेकिन जिला योजनाकार विभाग के द्वारा सिर्फ उन्हीं कॉलोनीज के अंदर तोड़फोड़ की ड्राइव चलाई जाती है जिन कॉलोनाइजर्स के साथ जिला योजनाकार विभाग की टीम के साथ मिली भगत नहीं है। अब इसे जिला योजनाकार विभाग की दबंगई कहें या फिर अवैध कॉलोनाइजर के साथ मिली भगत करने की पहल, हालांकि जिला योजनाकार अधिकारी के पास उन शिकायतों का कोई जवाब नहीं है और उनके कार्यालय में करीब 8 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है जो अवैध निर्माण को तोड़ने के मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाई गई थी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान इस मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस के द्वारा क्या आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।